लोगों के लिए अलर्ट जारी, तबाही मचाने आ रहा है खतरनाक चक्रवाती तूफान। नमस्कार, मेरा नाम नेहा साहिन है और आप रूबरू बिहार देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में मौसम की लुका छिपी जा रही है। सुबह के वक्त कभी धूप तेज लगती है तो कभी रात के समय हल्की ठंड महसूस होती है। मौसम की इस स्थिरता की वजह से लोगों को सर्दी, जुकाम और साथ में गर्मी की परेशानी भी हो रही है। कभी धूप और कभी ठंड के बदलते रुख में अभी और बदलाव आने वाला है। जल्द ही मौसम एक और करवट लेगा और बिहार में तबाही के आसार नजर आएंगे। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल से चक्रवाती तूफान डाना आने वाला है। इस तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। पर पटना के मौसम विभाग से ये सूचना मिली है कि 23 अक्टूबर यानी कि आज से बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इस चक्रवाती तूफान डाना का कहर सबसे ज़्यादा दक्षिण बिहार के 13 जिलों में देखने को मिलेगा। इन 13 जिलों में भारी वज्रपात, मेघगर्जन और तेज रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। तेज रफ्तार से चलने वाली इन हवाओं की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना बताई जा रही है। इस चपेट में आने से बचने के लिए लोगों को जरा संभल कर रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के हिसाब से 23 अक्टूबर यानी आज बिहार के दक्षिण, मध्य और पूर्वी इलाके के कई जिलों में हल्की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है। साथ में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का भी आगमन हो सकता है। वहीं 24 अक्टूबर यानी कल की अगर बात करें तो दक्षिण बिहार के जिलों में बारिश और तेज हो सकती है, जबकि 25 अक्टूबर को बिहार के अधिकांश जिलों में बिजली की गरज और चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अक्टूबर को बिहार के दक्षिण और उत्तर पूर्व इलाके के कुछ जिलों में हल्की बारिश की फुहारें पड़ सकती है। खतरनाक चक्रवाती तूफान डाना का प्रभाव खासतौर से बिहार, झारखंड से सटे जिलों में देखने को मिलेगा। इन जिलों में शामिल है भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। अब तूफान से आप कैसे बचाव कर सकते हैं इसकी बात करें तो IMD पटना के पूर्वानुमान के अनुसार आज बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाके में मौसम में बदलाव होंगे। मौसम में होने वाले बदलाव से चक्रवाती तूफान डाना का संयोग बन रहा है। पूरी में समुद्री तटों से डाना के टकराने की संभावना है, जिस वजह से बारिश भी हो सकती है। चक्रवाती तूफान डाना से बचने के लिए लोगों को तेज तूफानी हवाओं, बिजली के चमकने और गरजने के दौरान घर से नहीं निकलना चाहिए। यदि किसी वजह से लोग घर से निकल गए हैं तो किसी पक्के भवन में शरण ले लें। तूफानी हवाएं चलने और बिजली गरजने के दौरान गलती से भी किसी पेड़ के नीचे आश्रय न लें, क्योंकि पेड़ बिजली के सुचालक होते हैं।